फिलहाल अगली जो खबर है वो कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई है। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने का आदेश दिया है। मुजफ्फरनगर से इंडिया न्यूज संवाददाता मोहम्मद अफसर वहां पर पहुंचे, लोगों से बात की, उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल की है, देखिए। सावन का महीना शुरू हो चुका है, कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। कांवड़िए जल लेकर के अपने अपने गंतव्य की ओर चल रहे हैं और इसी बीच में विवाद भी शुरू हो गया है कि कांवड़िए कहां से सामान खरीदें, कहां से नहीं खरीदें। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूं और हरिद्वार से जब कांवड़िए जल लेकर के चलते हैं तो मुजफ्फरनगर का ये पॉइंट बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी जगह को जाने के लिए जितने कांवड़िए हैं इसी रास्ते से निकलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खास जगह हो जाती है। और यहाँ पर मैं जहाँ पर मौजूद हूँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है, यकीनन कांवड़ियों के लिए बहुत राहत भरी खबर होती है ये, क्योंकि धूप में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बरसात में आराम से चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कांवड़िए हमारे साथ हैं जो दिल्ली, राजस्थान या हरियाणा जगह जगह जा रहे हैं। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं सर? दिल्ली कालका मंदिर। दिल्ली कालका मंदिर, कब चले आप लोग? सर हम चले थे 19 की रात में। 19 की रात में आप जल लेकर के हरिद्वार से चल दिए थे, कब तक पहुंचेंगे आप? 31 की शाम को। अच्छा, अभी 10 दिन का वक्त करीब और लगेगा, और लगेगा। अच्छा, आप सभी लोग दिल्ली से ही हैं? आप चारों दिल्ली से हैं? अच्छा, आप लोग भी अलग अलग जगह से हैं। ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इस बार कांवड़ यात्रा के साथ साथ एक विवाद भी शुरू हो गया है कि कांवड़िए सामान कहाँ से खरीदें, क्योंकि बहुत सारे दुकानों के बाहर नाम लिखे जा रहे हैं। नाम लिखने का आदेश दिया गया है कि जो जिस धर्म का है वो अपना नाम लिखे और ये सुनिश्चित करे कि वो कौन क्या सामान बेच रहा है। तो आपके हिसाब से क्या ये ठीक है? हमारे हिसाब से गलत है, पूरे ठीक नहीं है बिल्कुल भी। हाँ सर, तो क्या आप, इसका मतलब है कि आप सामान खरीदने से पहले क्या आप भी देखते हैं कि वो हिंदू की दुकान है या मुसलमान की दुकान है? नहीं सर, ये कीजिए, हमें जिन सामान से मतलब है ना, वो हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब, सारे भाई भाई हैं अपने, बस। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रेम का उदाहरण है। आप सब भी दिल्ली से ही हैं? हाँ, आप सभी दिल्ली से हैं। तो क्या आप लोग भी सामान खरीदने से पहले ये सोचते हैं कि कहाँ से खरीदना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये प्रेम और सौहार्द का बहुत बड़ा उदाहरण है। आप लोग कहाँ से आए हैं? अच्छा, आपसे पूछते हैं, आप इधर आइए। बारिश बहुत तेज हो रही है और मुझे अपना माइक भी सेफ रखना, थोड़ा इस तरफ आइए ना आप। क्या नाम है आपका? मेरा शिव भक्त, शिव त्यागी। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बुलंदशहर। अच्छा, आप बुलंदशहर से हैं। तो एक बात बताइए कि इस बार कांवड़ यात्रा के साथ साथ एक विवाद भी जुड़ा हुआ है कि कांवड़िए सामान कहाँ से खरीदे, किससे खरीदे, दुकानदार अपना नाम लिखे, आप इसको कितना ठीक मानते हैं? देखो, इसमें ये है, अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए कोई भी अगर रेडी पटरी पे कुछ भी फल लगा रहा है या कुछ भी लगा रहा है, अगर वो दिल से पाक और साफ है तो हमें सामान लेने से कोई परहेज नहीं है, चाहे वो हिंदू की दुकान हो या मुसलमान की दुकान हो, चाहे मुसलमान की दुकान हो, बस वो अपना सच्ची श्रद्धा से वहाँ खड़ा है, हमें सामान दे रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को दुकान के बाहर नाम लिखना है कि वो हिंदू है या मुसलमान है, ये कितना ठीक लगता है आपको? जी जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि एक मछली साले तालाब को गंदा कर देती है। अभी मैं आपको अगर बताऊं तो खतौली की बात है, अभी परसों की, कुछ शिवभक्त कांवड़ियों पर गौ मास डाला गया है, वहाँ कांवड़ खंडित की गई है। तो जो भी धर्म है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, मैं किसी एक धर्म को टारगेट नहीं कर रहा। मोहम्मद अफसर जो कि सीधे कांवड़ियों से बात कर रहे थे, और अच्छी बात है कि कांवड़ी अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आस्था पर किसी तरह की चोट ना हो तो हमें धर्म से प्रॉब्लम नहीं है, और जो फैसला लिया गया है वो हम पर असर नहीं करता, हम मुसलमानों की दुकानों पर भी जा रहे हैं और वहाँ से सामान भी खरीद रहे हैं, बशर्ते हमारी आस्था को कोई ठेस ना पहुँचाए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं हम।